अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है, जैसे कि आपकी हार्ट की बीमारी है, हार्ट का ब्लॉकेज, आपको स्ट्रोक, एल्जाइमर्स, कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर डिजीज, कोई भी बॉडी की इन्फ्लेमेशन जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज की स्टार्टिंग होती है, वो प्रॉब्लम है आप, जैसे कि अस्थमा, गाउट, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, सोराइसिस, ये सारे ऑटो इम्यून डिजीज के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। या आपके बॉडी में वाटर या सॉल्ट रिटेंशन बहुत ज्यादा होती है, या आपको कोई किडनी डिजीज है, या आपके मुंह में कैविटीज या केरीज हैं, जिसे हम कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया। इनमें से अगर आपको कोई भी बीमारी है, इसके आसपास कोई भी बीमारी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को जरूर देखिए, एंड तक देखिएगा। हेलो भाइयों बहनों, आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। ये वीडियो बहुत दिनों से मैं निकालने की सोच रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ नई बातें उसमें डालते डालते इतना टाइम लग गया और ये वीडियो फिर भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इंसुलिन क्या होती है। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जो कि हमारी पैनक्रियाज में बनता है। इंसुलिन का काम ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर तीन तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एक शुगर का ही फॉर्म होता है, शुगर एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। शुगर 100% कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर आप रिफाइंड शुगर लेते हैं तो 100% कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन किसी और चीज में जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज बताई जाती है उसमें जितनी मात्रा में बताया गया है 60% 70% उतनी शुगर होती है, समझ लीजिए। यानी कि अगर आप मान लीजिए व्हीट की बात कर रहे हैं, गेहूं की बात कर रहे हैं, तो उसमें तकरीबन 70-80% कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम मैदा की बात करते हैं तो उसमें और भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब उतनी शुगर होती है उसके अंदर। अगर हम राइस खा रहे हैं तो उसमें 60-70% शुगर होती है। तो बेसिकली ये जो कार्ब्स हैं ये डिफाइन करते हैं कि हमारी बॉडी में कितना शुगर जा रहा है। और जब हम कोई कार्ब्स वाला खाना खाते हैं, जो कि सारा खाना है जिसमें कार्ब्स तो होते ही होते हैं, तो वो हमारे मुंह से ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और वो शुगर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और हमारे मुंह से जब जाते जाते जब हमारे आंतों तक पहुंचता है तो पूरा वो शुगर में जितना कन्वर्ट होना होता है हो जाता है, फिर हमारी वो बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है, सीधा ब्लड में चला जाता है और फिर ब्लड में हमारे एकदम से शुगर का स्पाइक आता है। डायबिटीज दो तरह की मानी गई है, वैसे तो और भी तरीके की होती है, लेकिन मोस्टली दो तरह की मानी गई है। जैसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज वो होता है जिसमें कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है, बनना बंद हो गया है, किसी कारण से आपके पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम आ गई, या बचपन से थी या बाद में किसी कारण से आ गई, वो टाइप 1 डायबिटीज है। और टाइप 2 डायबिटीज वो होती है जिसमें इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन आपके हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है, उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। और इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप मेडिसिन लीजिए या इंसुलिन के इंजेक्शन लीजिए वगैरह वगैरह। ब्लड हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कन्वेयर बेल्ट है, जो हमारी बॉडी में खाना आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो सेल्स तक पहुंचाना, जो शुगर आ रही है वो सेल्स तक, ब्रेन तक पहुंचाना, जो बाकी न्यूट्रिशन आ रहा है वो पहुंचाना, और जो हमारी बॉडी का वेस्ट है वो बाहर हमारी बॉडी में निकाल देना, चाहे वो किडनी से फिल्टर होकर जा रहा है या हमारे लंग्स में जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, एक्सेट्रा। सो तो जैसे ही शुगर हमारे ब्लड में जाता है तो हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि शुगर आ गई है, शुगर आ गई है। इस शुगर को सेल्स में, जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं हैं, जो हमारी शुगर उसके बाहर ब्लड लेकर आता है, तो वो सेल दरवाजा नहीं खोलती अपना शुगर लेने के लिए, तब तक दरवाजा नहीं खोलेगी जब तक उसको इंसुलिन जाके नॉक ना करे। इंसुलिन का काम है सेल को नॉक करता है, एक की होती है इंसुलिन जो सेल का दरवाजा खोलती है कहने के लिए कि शुगर आके शुगर ले लो। तो शुगर की जरूरत होती है हमको सेल के अंदर ही होती है, क्योंकि सेल के अंदर ऐसा कोई भी सेल नहीं हमारी बॉडी में जिसमें इंसुलिन रिसेप्टर नहीं होता और जो जिसको शुगर की जरूरत नहीं होती। तो शुगर पहुंचती है वहां पे, इंसुलिन उसका दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलने के बाद शुगर उसके अंदर चली जाती है जितनी उसको चाहिए होती है, उसके बाद तो दरवाजा बंद कर देता है। और जब अगली बार शुगर आएगी तो फिर इंसुलिन का मात्रा बढ़ेगी, इंसुलिन फिर जाकर नॉक करेगी उस सेल को, बोलेगी और शुगर आ गई है। इंसुलिन का काम क्या है कि अगर वो बॉडी का जो सेल है वो दरवाजा नहीं खोल रहा है और उसके पास शुगर है तो क्या करेगी उस शुगर का, तो उसी शुगर को इंसुलिन हमारी बॉडी में फैट की तरह स्टोर कर देता है। होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा हम कम नहीं होने देते हैं, बिकॉज हम खाना खाते रहते हैं खाते रहते हैं खाते रहते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो इंसुलिन की मात्रा हम कम नहीं होने देते हैं, हमने सुबह ब्रेकफास्ट खाया लेट्स से 8 बजे, फिर हमने 10 बजे को स्नैक खा लिया, फिर हमने 12-1 बजे लंच खा लिया, उसके बाद फिर कोई छोटा मोटा स्नैक खा लिया, फिर 4 बजे हमने चाय पी ली, फिर हमने 7-8 बजे डिनर खा लिया, फिर हमने उसके बाद भी कोई स्नैक खा लिया या दूध पी लिया या मिडनाइट मील खा लिया हमने,
जैसे ही हमारे बॉडी में कुछ खाना जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जाएगा, तो शुगर स्पाइक करेगा, और जब स्पाइक वो करता है तो उसको नीचे आने का मौका चाहिए ना उसको, जब वो नीचे नहीं आएगा तो वो इंसुलिन हाई ही रहेगी। तो होता है क्या, जो हमारे बॉडी के सेल्स है, अगर आप देखें इस चार्ट में, तो हमने दे रखा है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा इंसुलिन को स्पाइक करती हैं, प्रोटीन भी करता है लेकिन कम करता है, लेकिन फैट सबसे कम करता है। हाँ, हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो हम एज एनर्जी यूज कर सकते हैं, कीटोजेनेसिस जिसे हम कहते हैं, लेकिन जो फैट है वो सबसे कम इंसुलिन को बढ़ाता है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बढ़ाता है। तो होता है कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, जब उसके पास इंसुलिन पहुंचता है और वो अपना दरवाजा खोलता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर इंसुलिन पहुंच गया, दरवाजा खोलो, फिर पहुंच गया, सेल कहते भैया बार बार मत आओ, मुझे इतने शुगर की जरूरत नहीं है, आप क्यों बार बार मेरा दरवाजा खटखटा रहे हैं। इंसुलिन कहते नहीं, खोलो। सो वो जो सेल होते हैं बॉडी के, वो एक तरह से इंसुलिन को कहते हैं हम, अब आप आओगे हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप बार बार हमारा दरवाजा खटखटाते हो, हमें डिस्टर्ब करते हो, हमें जब नहीं है शुगर की जरूरत, तो उस सेल के अंदर, हमारी बॉडी सेल्स के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, जब इंसुलिन बॉडी में बहुत हाई रहता है सारे टाइम। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, तो जो हमारी बॉडी, जो एक नॉर्मल बॉडी है जो कि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बना रही है, वो इंसुलिन भी काफी नहीं रहता है, क्योंकि वो सेल को उतने इंसुलिन की आदत पड़ गई, वो उसको नॉर्मल समझने लगता है, ये तो नॉर्मल मात्रा है इंसुलिन की, जब इससे ज्यादा बढ़ेगी तब मैं अपना दरवाजा खोलूंगा, तो वो नॉर्मल चेंज हो जाता है, बिकॉज मात्रा हमेशा हमारे इंसुलिन की हाई रहती है। देयर इज समथिंग नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो कि प्रोटीन्स होते हैं, उसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, वो हमें बाहर से लेने ही पड़ते हैं। उसको जहां भी हम वर्ड एसेंशियल यूज करते हैं किसी भी न्यूट्रिशन के लिए, तो वो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ऐसे एसेंशियल फैट्स होते हैं कुछ जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जैसे EFA होता है, एसेंशियल फैटी एसिड्स। लेकिन कोई भी एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, मतलब ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं जो हमें बाहर से लेने की जरूरत होती है। तो अगर आपका फैट बढ़ रहा है, स्पेशली अगर आपका विसरल फैट बढ़ रहा है, विसरल फैट वो होता है जो कि हमारा जो विसेरा होता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लिवर, किडनीज वगैरह, इनके आसपास फैट जमा हो जाता है, और उससे बेसिकली जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये बाहर आ जाता है, फूल जाता है। तो अगर किसी के विसरल फैट ज्यादा है, मतलब यहां से ज्यादा फैट निकला हुआ है, तो सर्टनली उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये एक बहुत इजी चेक है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्री डायबिटिक भी नहीं होते हैं अभी तक जो मॉडर्न मेथड्स हैं, फास्टिंग शुगर चेक करते हैं, HbA1c वगैरह चेक करते हैं, उससे भी आपको पता नहीं चलेगा कोई प्री डायबिटिक है। लेकिन इस टेस्ट से अगर आप वेस्ट नाप लें उसकी, वेस्ट नाप लें और हिप नाप लें, तो आप पता लगा सकते हैं कि उसको प्री डायबिटीज है कि नहीं। और दूसरा है, आप नाप सकते हैं अपना वेस्ट टू हाइट रेशो, यानी वेस्ट कितनी है आपकी, अपनी हाइट नापी है, तो वेस्ट टू हाइट रेशियो आपका 0.5 होना चाहिए, यानी कि अगर इंचेस में वेस्ट नापी है, इंचेस में हाइट नापी है, तो 0.5 वेस्ट आपकी 0.5 तक होनी चाहिए, यानी आधी आपके हाइट की साइज होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो 0.6 तक अलाउड है 40 ईयर्स के ऊपर के लोगों को, उससे ऊपर है तो प्रॉब्लम आपकी है। तो ये है, और कहते हैं कि अगर आपकी 37 से ज्यादा वेस्ट है फॉर मेन, या 31.5 से ज्यादा वेस्ट है फॉर वुमेन, तो वह वैसे ही प्रॉब्लमेटिक है आपकी कोई भी हाइट हो, क्योंकि वहां पे आपके फैट जमा है, विसरल फैट जमा है, दैट मींस कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस का होने का बहुत ज्यादा चांस है। बट जो सबसे रिलायबल टेस्ट है, अगर आपको साइंटिफिकली जाना, अगर आपको हाइट वाइट का नहीं देखना, तो होमा स्कोर है, ये सबसे रिलायबल टेस्ट है। इसमें आप ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों को मापते हैं और उसका फिर रेशियो निकालते हैं, तो इतना होना चाहिए। आप देख लीजिए, आप जब भी कोई टेस्ट कराएं, आप जहां पे नेक्स्ट टाइम उनसे पूछिए कि आप होमा टेस्ट करते हैं, कि होमा स्कोर करते हैं क्या, दैट इज अ मोर रिलायबल टेस्ट फॉर योर इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड योर पूरा का पूरा इश्यू जितनी बीमारियां इसके रिलेटेड है। सो ये आप चार्ट देखेंगे अगर, तो इंसुलिन लेवल है, अगर हम बार बार खाना खा रहे हैं, तो जो एवरेज अगर इंसुलिन लेवल पूरे 24 घंटे का देखेंगे तो थोड़ा हाई है, एवरेज निकालेंगे, वो एवरेज जब नीचे आएगा तब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का उल्टा होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो अब इंसुलिन की मात्रा को ठीक से पहचानने लग गए हैं, और वो अब कम इंसुलिन में भी, नॉर्मल इंसुलिन में भी काम करेंगे, दरवाजा खोल देंगे अपना। लेकिन उसके लिए आपका इंसुलिन काफी टाइम के लिए दिन में कम रहना चाहिए, उसको नॉर्मल इंसुलिन की आदत पड़ेगी, तभी वो दरवाजा खोलेगा। आपने सुना होगा आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग की बहुत बात हो रही है, जिसमें कि लोग 18 घंटे या 16 घंटे कम से कम फास्ट करते हैं एक दिन में। 16 घंटे फास्ट करने का मतलब बहुत कोई डिफिकल्ट फास्ट नहीं होता। आपने रात को 8 बजे डिनर खाया है, तो अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट मत खाइए, 8 से 8 हो गए 12 घंटे, और 4 घंटे और, मतलब कि दोपहर के 12 बजे आप खा लें लंच, खाने 12-1 बजे लंच खा लें अपना, तो आपने ब्रेकफास्ट मिस किया।
आप एक दो दिन में देखेंगे आपको आदत पड़ जाएगी, लेकिन इससे क्या होता है कि जब ये 16 से 18 घंटे तब तक आपकी इंसुलिन नीचे ही रहती है, तो लो इंसुलिन होने की वजह से धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम 15 दिन में 20 दिन में महीना भर में 2 महीने में आपकी ये इंसुलिन सेंसिटिविटी रिटर्न कर जाएगी। आपने 16 से 18 घंटे फास्ट रखना है और जो आपकी ईटिंग विंडो है जो 6 से 8 घंटे की ईटिंग विंडो है उसमें आपने कार्ब्स कम खाने हैं। कितने कम खाने हैं? अगर आप डायबिटिक हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पूरे दिन में 50 से 100 ग्राम से ज्यादा आप कार्ब्स ना खाएं, और अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो 100 ग्राम तक खा सकते हैं, 100 से 150 ग्राम तक खा सकते हैं, और आपको अगर कोई भी इशू नहीं है तो आप 200 से 250 ग्राम तक आप कार्ब्स खा सकते हैं। लेकिन 200 से 250 ग्राम तब खाएं जब आपको पता है कि आपको आपका वेस्ट नहीं बढ़ा हुआ, आपको विसरल फैट नहीं है, आपका जो वेस्ट वाइट रेशो है वो नॉर्मल है। कुछ जो अच्छी चीजें होती है खाने की जैसे फ्रूट्स या सैलड्स हो गए उसमें कार्ब्स बहुत कम होता है। अगर आप आम देखेंगे, नॉर्मली डायबिटिक लोगों को आम से दूर रखा जाता है कि बहुत मीठा होता है। मैं आपको इसका गणित बताता हूँ। आम के अंदर 100 ग्राम के अंदर 15% कार्ब्स होते हैं, यानी कि 15 ग्राम कार्ब्स होता है। एक नॉर्मल आम का साइज 150-200 ग्राम होता है, जिसमें से 50-60 ग्राम तो गुठली और छिलका निकल जाता है, तो 100-125 ग्राम आपका आम होता है खाने वाला, या 15-17-18 ग्राम आपको कार्ब्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक पराठा खाते हैं जो कि नॉर्मली 80-90 ग्राम का होता है, तो उसमें 60-70% कार्ब्स होते हैं, जो कि कितने ज्यादा हैं आम से आप समझ गए। तो आम से परहेज है लेकिन पराठे से परहेज नहीं है, या आम से परहेज है और दाल से परहेज नहीं है, या आम से परहेज है और चावल से परहेज नहीं है। यहाँ पे एक आदमी ने बनाना खाया उसमें 17 कार्ब्स थे, और एक नान ब्रेड खाया उसमें 43 ग्राम कार्ब्स थे। सो ग्लूकोज कौन सा ज्यादा बढ़ाएगा? हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। उससे क्या होता है कि जब हमारी बॉडी नॉन शुगर या नॉन ग्लूकोज आइटम से जब ग्लूकोज बना लेती है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। हमारा ब्रेन मोस्टली ग्लूकोज पे चलता है, लेकिन हमारी बॉडी में जो प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये बिना शुगर खाए बिना कार्ब्स खाए भी शुगर बना के हमारे ब्रेन में पहुंचा देती है जहां जरूरत होती है। हम जो जितने भी शुगर खाते हैं 50% हमारे ब्रेन में यूज होती है। वो डिपेंड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल, सम पीपल डोंट यूज देयर ब्रेन्स, बट देयर इज नथिंग टू वरी। हाँ, कुछ लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, उनका शुगर कम हो जाता है। शुगर कम तभी होता है जब या तो अगर आप कोई एक्सटर्नल मेडिकेशन ले रहे हैं या एक्सोजेनस इंसुलिन ले रहे हैं, मतलब कि जो बॉडी का संतुलन है जिसको आपको समझ नहीं है, किसी मेडिकल साइंस को इतनी अभी ज्यादा समझ है नहीं, यू नो इट्स सच अ कॉम्प्लेक्स मशीनरी, उसको इतना मुश्किल से चीज को बैलेंस किया हुआ है, वो आप कुछ डाल के उसको बैलेंस कर देते हैं तो फिर वो हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा, हाइपरग्लाइसीमिया भी, अगर बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और एक चीज याद रखने की, ह्यूमन बींग्स को या होमो सेपियन है जो इससे पहले जो भी हमारी स्पीशीज होती थी, उसको करीबन 25 लाख साल हो गए हैं। उस 25 लाख साल में से हमने करीबन 100 साल भी शायद नहीं हुए हैं कि हमने ये इतना कार्ब्स खाना शुरू कर दिया। तो हमारी बॉडी को, इस पूरे स्पीशीज को आदत नहीं इतनी कार्ब्स खाने की, इनको पता नहीं इसको कैसे डील करें। हाँ, अगर हम ऐसे ही कार्ब्स खाते रहे जिस तरह से खा रहे हैं आजकल, पी रहे हैं ये पी रहे हैं जिसमें कितनी शुगर भरी होती है, तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, तो हो सकता है आगे 1,000-2,000-5,000 साल बाद हमारी बॉडी को आदत पड़ जाए, हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज करना सीख जाए। बट करंटली हमारी बॉडी को उसको मेटाबोलाइज करना आता नहीं है, क्योंकि हमने इतनी लंबी जो हमारी जर्नी रही है हमारे स्पीशीज की, उसमें सिर्फ कुछ 100-150 साल पहले ही हमने इतने कार्ब्स खाने सीखे हैं। तो आप कार्ब्स को बाय बाय कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई वीकनेस है आपकी बॉडी में इतना स्टोर्ड है। हाँ, आपको भूख लगेगी। भूख का क्या है, हमारे भूख का जो भूख लगती है हमें, एक हमारे हार्मोन होता है ग्रेलिन, ग्रेलिन हार्मोन से हमें भूख लगती है। उसकी ब्यूटी यह है कि ग्रेलिन हार्मोन है वो कॉन्स्टेंटली, ऐसे नहीं कि बढ़ता जाएगा जब आप खाना नहीं खाएंगे। ग्रेलिन एक वेव में आता है और वेव में चला जाता है। जैसे आपने कुछ खाना नहीं खाया तो ग्रेलिन वो रिमाइंड करता है, कम्स लाइक अ रिमाइंडर, तो वो चला जाएगा। फिर 2-3 घंटे बाद फिर आएगा, खाना खा लो। सो आपको भूख का जो पैंग्स है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे, वो आपको 2-3 घंटे के इंटरवल में आएंगे। वो आपने 5-10 मिनट आपने उसको ग्रेलिन को अपना काम करने देगा, भैया कर ले मैं कार्ब्स नहीं खाने वाला हूँ, तो उसको ग्रेलिन को आदत पड़ जाएगी, फिर वो इतनी जल्दी नॉक नहीं करेगा, बिकॉज 1-2 दिन में आदत पड़ जाती है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ अ कपल ऑफ डेज, अगर आप अपने को स्वस्थ करने में इंटरेस्टेड हैं तब, अदरवाइज आप जो मर्जी खाइए। अब आप मुझे बताइए कि अगर जो टाइप 2 डायबिटीज है वो एक हाई इंसुलिन की वजह से ही उत्पन्न हुई है, उसका जो बेस कारण है दैट इज बिकॉज योर बॉडी वाज प्रोड्यूसिंग टू मच इंसुलिन बिकॉज यू हैड टू मच कार्बोहाइड्रेट एके ग्लूकोज इन योर ब्लड, तो इंसुलिन हाई थी। इंसुलिन हाई होने की वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज हुआ, और उसकी ट्रीटमेंट इज इंसुलिन का इंजेक्शन। ये मेरे थोड़ी समझ में आती नहीं है। शास्त्रों में फास्टिंग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, जो हमारा
आई थिंक एवरी रिलीजन हैज अ फास्टिंग ट्रेडिशन. मैं अपने हिंदुइज्म के बारे में बात करूंगा. जो हमारा जो नवरात्रे का फेस्टिवल होता है, जिसमें हम 7 दिन 8 दिन जो अष्टमी तक हमको सिर्फ फलाहार करना होता था. फलाहार मीन्स फलों के अंदर सबसे कम कार्बोहाइड्रेट होता है और वो हेल्दी होता है. जो भी होता है उसमें फाइबर बहुत होता है, तो जो भी कार्ब्स होता है, फाइबर भी कार्ब्स होता है, लेकिन बॉडी हमारी डाइजेस्ट नहीं करती है उसको, उससे हमारी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता है. बेसिकली व्हाट यू हैव टू लर्न इज स्टॉप काउंटिंग कैलोरीज, बिकॉज जो कैलोरीज होती है वो आपके फैट में भी कैलोरीज होती है. एंड जो लोग सोचते हैं कि मैं मोटा हो गया, मेरी वेट बढ़ रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट खाने से, शुगर खाने से बढ़ता है. रिफाइंड ऑयल कभी जिंदगी में यूज मत कीजिए. रिफाइंड ऑयल इज वेरी टॉक्सिक, इट्स पॉइजन, तो उसको अपने घर से बाहर रखिए, गेट के बाहर. रिफाइंड फ्लावर जो कि मैदा होता है, अगर किसी भी खाने जिसे अगर रिफाइंड लिखा हुआ है तो उसको अपने घर के बाहर गेट के अंदर मत घुसने दीजिए, वो आपके लिए बहुत डेंजरस है. अगर आपके पास कोई हेल्थ ऐप है जिसमें आप कैलोरीज गिनते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 20 ग्राम घी खा लिया या बटर खा लिया, उसमें कैलोरीज बहुत दिखाएगा, लेकिन उस कैलोरीज ने आपके इंसुलिन को बिल्कुल भी टच नहीं किया. लेकिन उतनी कैलोरीज अगर आप कार्ब्स में खा लेंगे तो वो बिल्कुल इंसुलिन को गड़बड़ा देगा. सो ऑल्सो आई एम गोना बी शेयरिंग फूड आइटम्स में. ये देखिए, जो नॉर्मली हम सोचते हैं कि बड़ा हेल्दी है, मैंने इसमें कांदा पोहा, रोटी, राइस, बिस्किट्स वगैरह के मैंने फिगर्स डाली हुई हैं. मैंने पर 100 ग्राम डाली हुई हैं. सर्विंग साइज मैंने एवरेज सर्विंग साइज जो नॉर्मली लोग खाते हैं, मैंने दालों वालों के लिए, सब्जी के लिए 150 ग्राम डाला हुआ है. तो आप देख सकते हैं कि आप एक मील में कितने कार्ब्स खा जाते हैं. सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट इज कांदा पोहा, जिसको पोहा जिसे हम बहुत हेल्दी मानते हैं. नाउ आई लिमिट माई पोहा इनटेक टू 100 to 150 ग्राम्स. अगर मैं खा रहा हूँ उससे ज्यादा मैं नहीं लेता हूँ. एंड आई पुट सम पीनट्स इन इट, बिकॉज पीनट्स इज वेरी लो कार्ब्स उसमें. बट पीनट्स बैन नहीं करो, बहुत हेल्दी होते हैं. पीनट्स की प्रॉब्लम ये है कि वो आपको जितने मार्केट में मिलते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड और वो पेस्टिसाइड वाले मिलते हैं मोस्टली. अगर आप ऑर्गेनिक में वो लीजिए. ये डॉक्टर एलन कोल्डहैमर है, ये सेंटा रोजा कैलिफोर्निया में सेंटर चलाते हैं, ट्रू नॉर्थ करके. ये लोगों को फास्टिंग करवाते हैं वहाँ पे अपने अंडर मेडिकल सुपरविजन, तो उसको अपने वहाँ पर भर्ती कर लेते हैं और वो 4-5 दिन से स्टार्ट होकर 40-45 दिन तक फास्ट कराते हैं. सिर्फ वाटर पे रखते हैं, द पेशेंट्स ड्रिंक ओनली वाटर एंड नथिंग एल्स फॉर सो मेनी डेज. और उनका कहना है दैट कॉम्बिनेशन ऑफ फास्टिंग एंड कीमोथेरेपी रिजल्ट्स इन ड्रामेटिकली हायर कैंसर फ्री सर्वाइवल दैन कीमोथेरेपी अलोन. यानी अगर कीमोथेरेपी के साथ फास्टिंग करा दी जाए तो एकदम से बहुत तेज उसका इफेक्ट होता है. फास्टिंग से हमारे बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसको 2016 में नोबेल प्राइज मिला था, इस नाम से ऑटोफेजी. ऑटोफेजी क्या होता है कि ऑटो मतलब होता है खुद, फेजी मतलब खाना. तो हमारे जो बॉडी का जो कैंसर सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी खुद उनको खाना शुरू कर देती है जब हम फास्टिंग करते हैं. तो वो कहते हैं कि 36 घंटे कम से कम फास्ट आप करें, यानी कि 1.5 घंटे फास्ट करें तो ऑटोफेजी स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद वो अपने खुद के कैंसर सेल्स, जितने भी हमारे गंदे सेल्स होते हैं, उनको खाना शुरू कर देती है. और हमारी बॉडी में जो हमारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं, HGH होते हैं, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होते हैं, उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है. और हमारे जो स्टेम सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे बेसिक सेल्स होते हैं, जैसे कि बाकी सारे सेल्स बनते हैं. तो बेसिकली ये आपको देखना है कि कुछ भी चीजें खाने से नहीं आप ठीक होंगे, कुछ भी ना खाने से आप ठीक होंगे. तो कुछ भी ना खाने पर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी को इंसुलिन नीचे लेकर आइए, तो बहुत सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी. ये डॉक्टर प्रदीप जुगना दास है, ये सेंटर इन ऑरलैंडो फ्लोरिडा. उन्होंने बहुत रिसर्च करी है इस टॉपिक के ऊपर, वो भी फास्टिंग को बहुत प्रमोट करते हैं. हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट इज ड्राइविंग एथेरोस्क्लेरोसिस, ये जो होता है, ये हमारे जब हार्ट के अंदर जब ब्लॉकेज आ जाती है इसको बोलते हैं. डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड लाइकली डिमेंशिया एंड कैंसर. तो इस सबका कारण ये एक चीज को मान रहे हैं. पहला स्टेप आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कीजिए. दूसरा, अगर आप देखें जो घी होता है हमारा, जो कि बिल्कुल क्लैरिफाइड बटर जिसे कहते हैं, जिसमें कि बिल्कुल भी मिल्क के सॉलिड्स नहीं होते हैं, उसमें कार्ब जीरो होते हैं और वो इंसुलिन को जीरो इंपैक्ट करता है और वो बेस्ट फैट होता है खाने के लिए. आपके इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता है. दैट मीन्स कि आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो गए. आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपका इंसुलिन भी स्पाइक नहीं मारेगा. तो अगर आप दिन की स्टार्टिंग आप 1 चम्मच या 2 चम्मच घी से करते हैं, फ्रूट्स खाइए. लंच तक आप फ्रूट्स खा सकते हैं अपने बॉडी का 1%. आपका वेट 70 किलोग्राम है तो आप 700 ग्राम तक फ्रूट खा सकते हैं लंच तक. लंच के बाद फ्रूट खाना अच्छा नहीं माना गया है. उसके बाद आप सब्जियां, पकी हुई सब्जियां या कच्ची सब्जी जिसे हम सैलेड कहते हैं, वो खाइए. जितना मर्जी खाइए, सब्जी के अंदर बहुत कम कार्ब्स होते हैं, बहुत ज्यादा कार्ब्स नहीं होते हैं, तो आपके इंसुलिन को स्पाइक नहीं करेगा. आप बेधड़क होकर खाइए सब्जी और सैलेड, जितनी आप खा सकते हैं, जितनी भूख खाते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. धीरे धीरे आपको भूख आपकी कम हो जाएगी जैसे आपके इंसुलिन की
रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम खत्म होगी, आपकी भूख भी इतनी इनसेशिएबल नहीं होगी, आपको भूख पे कंट्रोल आ जाएगा। 30 मिनट वॉक कम से कम आप रोज कीजिए। रनिंग में इसलिए नहीं बोलूंगा बिकॉज रनिंग बहुत सारे लोग जो ओवरवेट होते हैं उनके नींद में प्रॉब्लम हो सकती है जिनको आदत नहीं है, लेकिन अगर आप योगा कर सकते हैं उसमें सूर्य नमस्कार कीजिए जो कि बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट कार्डियो है, 10 बार 15 बार 20 बार जितने आप मैनेज कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार आपको पता होगा, नहीं तो मैं अलग से वीडियोस पे डाल दूंगा, आप मुझे बता दीजिए। लोगों ने प्रोटीन का बहुत हवा बना रखा है कि प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन भी इंसुलिन को स्पाइक मारता है और जो प्रोटीन खा खा के लोग बीमार पड़ रहे हैं, ज्यादा प्रोटीन खा खा के अपने लिवर को खराब कर रहे हैं, अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं। जो नेचुरोपैथ है वो कहते हैं एक नॉर्मल इंसान के लिए 20-25 ग्राम प्रोटीन बहुत होता है, आपको खाने में 50 ग्राम तक खा लीजिए, लेकिन 100-150 ग्राम मत खाइए। जो कंपनियां प्रोटीन के पाउडर प्रोटीन की चीजें बनाते हैं वो उसको मार्केट करें कि प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ, इतना प्रोटीन की जरूरत नहीं होती बॉडी को। हम कोई एथलीट नहीं है, हम कोई बहुत बड़े कोई मैराथनर नहीं है कि हमारा इतना प्रोटीन डिप्लीट होता हो, हम नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं। 20-25-30 ग्राम प्रोटीन दिन में मिल जाए हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत होता है एक एवरेज आदमी के लिए। और अपनी कार्ब्स की इंटेक अगर आप डायबिटिक है तो 50 ग्राम तक रखिए, और अगर आप प्री डायबिटिक है तो 100 ग्राम और 100-150 ग्राम से ज़्यादा आप मत खाइए। एंड देयर इज अ वेरी फेमस नेचुरोपैथ जिन्होंने डॉक्टर डूई, उनके फेमस वर्ड्स हैं दैट फूड टेकन इन इलनेस नरिशेज द इलनेस नॉट द पेशेंट। यानी कि आप बीमारी में, जो कि हम बहुत लोगों को बहुत सारी बीमारियां हैं, बीमारी में हम जो हम खाना खाते हैं वो हमें पौष्टिकता नहीं पहुंचाता, हमारी बीमारी को पौष्टिकता पहुंचाता है, हमारी बीमारी को और स्ट्रांग करता है। तो इसलिए फास्टिंग यू नो, तो ये सारे कुछ टिप्स थे, आप इनको फॉलो करके देखिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप दिस वीडियो वॉज ऑफ सम यूज टू यू। अगर आपको पसंद आया या आपको इससे कुछ बातें अच्छी लगी तो प्लीज इसको और लोगों से शेयर कीजिए, और मैं बहुत जल्द कोई नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। यू हैव अ गुड डे एवरीबॉडी, बाय बाय।